गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक किए हैं, फिर आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता जो प्रकट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सृष्टि का एक छोटा भाई है, उसे रंग बिरंगे खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसे गर्म दूध यह पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं, परंतु ठंडी मीठी आइसक्रीम वह बड़े मज़े से खाता है। आज उसने 4 टॉफी भी खाई। ठीक है, तो सृष्टि का एक छोटा भाई, ये जो रंग बिरंग अंडरलाइन की हुई है हरे, कुछ अक्षर इसमें आपको अलग से आई से दिख रहे हैं, तो वे क्या है? जैसे एक सृष्टि का एक छोटा भाई है, एक छोटा क्या हो गई? उसकी विशेषता है। क्या बता रहा है? उसकी विशेषता। फिर उसे रंग बिरंगे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, रंग बिरंगे खिलौनों की विशेषता है। उसे गर्म दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गर्म दूध और पानी की विशेषता। फिर ठंडी मीठी आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम की विशेषता और बड़े मज़े से, ये उसकी विशेषता है। आज उसने 4 टॉफी भी खाई, तो कितनी टॉफी खाई? 4 टॉफी। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, शब्दों में क्या बता रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषण शब्द हो गए। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। छोटा, रंग बिरंगे, गर्म, ठंडी मीठी, बड़े, 4, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? इन विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। फिर जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कौन से हो गए? भाई, इन शब्दों से बता रहे हैं कि भाई, खिलौना, दूध, आइसक्रीम, बड़े और टॉफी क्या है? विशेष्य शब्द है। इनकी क्या की जा रही है? इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के भेद होते हैं 4 भेद। पहले देखिए, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वापस, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण और उसके 4 भेद। अब हम विशेषण का पहला भेद पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रंग, अवस्था, दोष, गुण, आकार, स्वाद और दशा आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रंग की, अवस्था की, दोष, गुण, आकार, स्वाद, दशा या अवस्था की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें उदाहरण, छोटी लड़की विद्यालय के तैयार है। छोटी लड़की विद्यालय के लिए तैयार है। ठीक है, छोटी लड़की विद्यालय के तैयार। इस लड़की की क्या विशेषता है कि वह उसकी छोटी है? लड़की की क्या विशेषता है? छोटी। फिर दूसरा, मोटी स्त्री बाजार जाएगी। इस स्त्री की क्या विशेषता है कि वो क्या है? मोटी है। ये इसका मोटा होना इसका गुण है और इसमें छोटी इसकी गुणवाचक में। फिर लंबा आदमी ईमानदार है, आदमी लंबा भी है और कैसा है? ईमानदार। तो लंबा और ईमानदार क्या हो गया? इसकी विशेषता किसके अंतर्गत आएंगे? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। फिर अब रंग के बारे में देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि रंग में जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला आदि रंग। फिर दोष क्या है? दोष यानी झूठा, कायर यानी डरपोक, घमंडी, पापी, दुष्ट आदि क्या है? दोष बोधक है। उसके बाद गुण बोधक, गुण उसमें उसकी अच्छाई, जैसे अच्छाई का,
नीडर यानी वो सास ही है, वीर, सुशील, दयालु आदि किसके अंतर्गत? गुण बोधक के। फिर स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, स्वाद कैसा है, नमकीन, कड़वा, चटपटा आदि, ये स्वाद बोधक में। आकार बोधक में मोटा, छोटा। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, चटपटा आदि, ठीक है। फिर आकार बोध में किसी भी वस्तु का या किसी का भी आकार, छोटा, मोटा, लंबा, गोल, चपटा, सीधा आदि। उसके बाद अवस्था बोधक में बचकाना यानी बचपन की अवस्था, जवान, वृद्ध यानी बूढ़ा, अधेड़ यानी आधी उम्र का आदि। दशा बोधक में भारी, हल्का, स्वस्थ, रोगी, कमजोर आदि, ये दशा के बारे में। स्थान बोधक में देशी, विदेशी, मैदानी, ग्रामीण, पंजाबी, जापानी, भारतीय, अमृतसरी, हरियाणवी आदि, स्थान स्थान के बारे में। फिर काल बोधक समय के, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, नवीन, प्राचीन, श्रणिक, वार्षिक, त्रैमासिक आदि, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।